अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मियां उस्मान। मेरा नाम है अदनान परवेज। तो दोस्तों आप देख रहे हैं जी, ये माशाल्लाह हमारे हाथों में ये प्यारी प्यारी सी बिल्लियां हैं, पर्शियन कैट्स। तो हमारे साथ मौजूद है वकार भाई जो कि ये शो कर रहे हैं, तो आए आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह ये कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं वकार भाई, ठीक ठाक है आप? सर सबसे पहले तो ये बताएंगे कितना अरसा हो गया आपको ये शौक करते हुए? सर मुझे तो तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भाई को भी इसी चीज का शौक था और मेरे घर वालों को भी इस चीज का शौक है। तकरीबन 10-12 साल से हमारे घर माशाल्लाह जी किटन वगैरह का शौक किया हुआ। अच्छा तो ये बताएं, ये माशाल्लाह कौन कौन सी आपके पास जो है ये टाइप्स हैं, इनका एक एक करके बता दीजिए। मेरे पास जो है ना वो पर्शियन की काफी अच्छी जो है ना कैटेगरीज पड़ी हुई है, जिसमे आता है डोल फेस है, फिर उसके बाद पंच फेस है, नियर टू पंच है, फिर पिकी है, नियर टू पिकी है, ठीक है, स्ट्रीम पिकी तक हमारे पास जो है ना वो क्वालिटीज वगैरह पड़ी हुई है। माशाल्लाह, तो ये जो है आपके हाथ में इसका बताएं जरा ये कौन सी है? ये मेरे पास लिली है। अच्छा, और ये पिकी फेस में है, माशाल्लाह ये मेरी फेवरेट कैट है इस टाइम। ठीक हो गया। तो ये आप इस इनके बारे में बताएं, ये माशाल्लाह जी क्यूट से बच्चे आप देख। हाँ जी, ये आपकी होम ब्रीड है जी? जी सर, ये मेरे पास जो है ना स्नो, एक मेरे पास एक्सट्रीम पिकी फीमेल कैट है और ये मेरी होम ब्रीड का किटन है और माशाल्लाह ये भी जो है ना वो एक्सट्रीम पिकी तक जाएगी। जी माशाल्लाह, देखने में बड़ा क्यूट लग रहा है जी। अच्छा तो ये भी दिखाइएगा जी, वन बाय वन करके दिखाते जाए इसको, आप छोड़ते जी। अब ये हमें दिखाया, इसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या चीज है? ये सर मेरे पास जो है क्या कहते हैं 2-3 साल से है माशाल्लाह, और इसका नाम जो है जानू है। ये मेरी वालदा की फेवरेट कैट है। अच्छा, ठीक है, और ये ज्यादातर टाइम जो है ना उन्हीं के साथ स्पेंड करती है और ये आ जाती है पंच फेस में, ठीक है, जिसकी डिमांड एक लो बजट में और अच्छी चीज में ये चीज आती है। ठीक हो गया। अच्छा तो इनकी केयर के हवाले से बताया, जिस तरह माशाल्लाह इनके लंबे से बाल है, तो ये किस तरह आप इनको मैनेज करते हैं? सर इनके जो बाल हैं वो गिरते तो हैं, ठीक अच्छा। है, लेकिन ये है कि इनकी केयर करनी पड़ती है। सफाई रखेंगे तो जितनी आप इसकी यानी कि सफाई रखेंगे और मंथली जो है ना इनको वॉश, बहुत वॉश होता है और उसके अलावा इनकी जो है ना डेली रूटीन में इनका ब्रश होता है। जब तक आप इनको ब्रश नहीं करेंगे, एयर ब्रश नहीं करेंगे, तो इनके बाल ज्यादा गिरेंगे, ठीक है। इसमें ये होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग इनकी जो है ना एयर ब्रशिंग होती है, ठीक है, उसके बाद इनका जो है ना डेली रूटीन की तरह इनका खाना शाना। और डाइट में स्पेशल बताएं वकार भी, डाइट में आप एक तो हमें ये बताएं फीड के हवाले से, और दूसरा ये बताएं अगर जो लोग फीड अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो देसी के हवाले से होम फूड जो है वो कौन सा आप यूज करवा रहे हैं? इनमें जो है ना इनके जो फूड मैं यूज कर रहा हूँ और एक अच्छा फूड है वो है रॉयल कैनन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें देसी फूड की, लेकिन अब जैसे कि एक्सपेंस बढ़ गए हैं, शो करना मुश्किल हो रहा है, तो लोग देसी की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने जब से रखे हैं, मेरे कोई भी किटन या कोई कैट जो है ना वो देसी पसंद नहीं करता या वो खाते नहीं है, तो इसलिए मैं तो जो है ना वो दूसरा फूड यूज करता हूँ। सर अच्छा, इसका नाम बटन है माशाल्लाह, और इसकी एज जो है ना वो 3 साल है और ये काफी फ्रेंडली है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास इसको 3 साल हो गए हैं और ये इम्पोर्टेड पेरेंट्स का इम्पोर्टेड मेल है माशाल्लाह। तो ये स्टड के लिए भी अवेलेबल है जी? जी सर अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो स्टड की प्राइस है वो तकरीबन 50,000 है। अच्छा, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा, और इसके किटन के बारे में बताएं उनकी क्या प्राइस होती है? सर किटन की इसकी जो प्राइस चल रही है वो 30-60 के बीच राउंड अबाउट। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बड़ा छुप के बैठा हुआ है जी। वकार भाई इसके बारे में भी बताएं जरा, इसको छोड़ दें, ये बड़ा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, इसका भी बताएं ये कौन सी है? ये सर मेरे पास एक स्नो कैट है माशाल्लाह, ठीक है, ये उसका होम ब्रीड है, ये भी अच्छा होम ब्रीड है ना, ये इसी का यानी कि वो है। अच्छा तो इनकी प्राइस क्या है, इसके बारे में भी बताएं? इसकी जो प्राइस जो है वो मार्केट जिस तरह चल रही है कि पैसे वगैरह लोगों के पास एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो पहले तो ये था कि जैसे जैसे मार्केट अप होती थी तो इनकी प्राइस भी अप चलती थी, ठीक, लेकिन अब जो है ना अपना जो है वो एक्सपेंस ज्यादा हो गया तो इसलिए लोग इनको परचेज नहीं कर रहे आजकल, इनकी जो मार्केटिंग है वो डाउन चल रही है। फिलहाल जो आपका वक्त है उसमें इनकी प्राइस जो है ना वो 30-60 के दरमियान है किटन की। तो अदनान भाई मसला यही आ रहा है कि कैट फूड इतने महंगे हो गए हैं डॉलर की वजह से कि शौक करना भी जो है लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों ने शौक छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे ही है नजर आ रहा है। हम तो हमारा चैनल का मकसद ये था कि इसको प्रमोट करें, बढ़ाएं, लेकिन ये बढ़ती हुई जो प्राइस महंगाई है, महंगाई है, इसकी वजह से लोग शौक की तरफ ना कम रुझान होना, लेकिन शौक को छोड़ना नहीं चाहिए। आप महंगे जो है पेट फूड
उन्हें छोड़ दें और आप देसी फूड की तरफ आए, लेकिन शौक को आप ना छोड़ें। अच्छा बकार भाई, इनकी वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है उसके बारे में जरा बताएं। सर, इनकी जो पहली वैक्सीनेशन होती है जब किटन 3 मंथ का हो जाता है तो इनको वैक्सीनेशन पहली लगाई जाती है, फिर उसके बाद 21 दिन बाद दूसरी वैक्सीनेशन होती है, और फिर ईयर टू ईयर इनकी वैक्सीनेशन चलती रहती है। ठीक हो गया जी, यानी कि साल बाद इनको कौन सी रेबीज की लगवानी पड़ती है? सर, बायोफिल और रेबीज इनकी दो, मैं जो लगवा रहा हूँ इनको वो दो वैक्सीनेशन है, लेकिन और भी है लेकिन वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ कंट्री से अगर मंगवा के आप यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। वकार भी इस ब्रीड के बारे में बताएं जी, ये कौन सी ब्रीड है आपके पास? ये साइमंस है और इसका कलर बहुत रेयर है, और मेरे पास माशाल्लाह इस सबसे मेरा जो पहला शौक था वो इनसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये मेरी फैमिली वालों को बहुत ज्यादा पसंद थी और जिससे मुझे अट्रैक्शन हुई, और इनको देख के मुझे जो है ना बाकी कैट्स वगैरह का शौक हुआ। इसकी एज तकरीबन 8 से 9 साल है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। जी वकार भी, मुझे हमारे दोस्तों को ये बताएं कि जो हम जो नए शौक करने वाले हैं वो किस ब्रीड से स्टार्ट करें, उस हवाले से बताएं। सबसे पहले तो सबसे लो बजट जो कैट्स मार्केट में है वो है सियामीन्स, और उसके बाद आ जाती है डोलफेस पर्शियन, फिर उसके बाद आ जाती है नियर टू पंच, फिर आगे पांच आ जाती है। वो जैसे जैसे बजट आप करते जाएंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाए तो आप अपने शौक को भी जो है वो बढ़ा सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताया कि इनकी जो पॉटी ट्रेनिंग है वो किस तरह से आप करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि चूनू के बारे में, ये मेरा यानी कि सबसे पहली कैट पेयर कैट का था, तो इसको तो बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था, और अब ये वॉशरूम में जाती है। अच्छा, वॉशरूम करती है और पांव से ही पीछे करके और वापस आ जाती है, इसके लिए हमने कोई रेत वगैरह नहीं रखी हुई, इतना कि इसको ट्रेंड किया हुआ है। और बाकी कैट्स की बात करें तो हम उसके लिए रेटेड ट्रे रखते हैं, उसमें रेत और लीटर ला के रख दिया जाता है, और एक कैट दूसरी कैट को देख के वैसे ही वो ट्रेंड हो जाती है। ठीक हो गया। तो दोस्तों, अगर किसी भाई को स्टड के हवाले से और किटन की, अगर किसी को किटन वगैरह चाहिए हो तो ये भाई से रابطہ कर सकते हैं। वकार भाई, हमारे दोस्तों को अपना नंबर भी दें और बताएं अपने बारे में। सर, हमारे जो है ना फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी 484 पेट्स क्लब के नाम से अवेलेबल है, वहां पे आपको जो है ना मेरे बड़ा भाई भी उनको डील कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे स्टड के हवाले से, किटन सेल परचेज के हवाले से आपको डिटेल वहाँ पे मिल जाएगी। और मेरा जो नंबर है वो है 03094840004। दोस्तों, आपको नंबर भाई ने बता दिया, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन कैट्स के वाले से चाहिए तो ये आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, और मजीद वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।